बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैक में आइटम बैग राइटर की कुछ सीट्स आई हुई थी उसके बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका व्हाट्सएप पे जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था उनका व्हाट्सएप पे जो है वो ग्रुप बन गया है ऑलमोस्ट, उसमें सारे पार्टिसिपेंट जो है ना वो ऐड कर दिए गए हैं। आपने भी अगर अप्लाई किया हुआ तो आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया होगा। तो इसमें हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें डेजिग्नेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर, उसके लिए 90% जो है वो लोग इसमें जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे कोटा जो है उसमें। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर से 10% है, 50% मेल है, 50% फीमेल है। PST 40% है फॉर प्राइमरी, 40% फॉर एलिमेंट्री, 20% जो है वो SST, SS और SSS के लिए। एक्सपीरियंस जो इसमें है वो IT स्किल्स होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। आइटम राइटर या आइटम रिव्यू, इसके बारे में एक्सपीरियंस हो। कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ असेसमेंट, कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ करिकुलम। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप, नेट फैसिलिटी, टाइपिंग स्किल्स, उर्दू इंग्लिश दोनों होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 नॉमिनेशंस फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, 5 नॉमिनेशन होगी हर ज़िले से, हर डिस्ट्रिक्ट से। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, जिसमें से 5 नॉमिनेटर जो हैं वो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बनते हैं टोटल कैंडिडेट्स। और इनमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हो गए। आस्क फॉर इंट्रोडक्शन एंड विच सब्जेक्ट टीच इन स्कूल, ये चीज़ पूछी जाएगी पहले, इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऑफ पैडागोजी एंड असेसमेंट, 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। 1 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल होगा, आइटम राइटिंग एंड आइटम स्किल्स एंड JK जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स एट टाइम ऑफ वर्कशॉप, अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड डिवाइस। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 40 वर्क स्टेशन फॉर 7 सब्जेक्ट एट बैक वादत रोड, और 4 IT एक्सपर्ट, 4 2 फैसिलिटेटर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, एथिक्स 1 एंड टीचिंग ऑफ होली कुरान 1। इंटरनेट फैसिलिटी, everybody must bring his or her laptop and internet device, ये टोटल इसकी रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।